कारोबार जगत को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अमेरिका के निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। सचिन पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को अपने केस में पार्टी बनाने की मांग की। राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई होगी। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राज्य सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के पीएम को चिट्ठी का जवाब में कहा कि मौजूदा संकट के लिए खुद गहलोत जिम्मेदार। सचिन पायलट गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुने बिना अदालत से आदेश न देने की अपील की गई। सचिन पायलट ने उन पर आरोप लगाने वाले विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा और ₹1 हर्जाना मांगते हुए माफी मांगने को कहा। खाद घोटाला मामले में ईडी ने सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। भारत में बनी ध्रुवास्त्र मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण किया गया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने वायुसेना को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। असम के तिनसुकिया में ऑयल इंडिया के एक तेल कुएं में धमाका हो गया जिसमें 3 विदेशी एक्सपर्ट घायल हो गए। खबर है कि एलएसी पर चीन ने अभी तक दूसरे चरण में अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया। गुजरात सरकार ने कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने पर फीस लेने पर रोक लगा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह समेत राज्यसभा के कई नए सदस्यों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के नए चुने गए राज्यसभा सांसदों को अपने आवास पर चाय पार्टी दी। गलवान में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को तेलंगाना सरकार ने डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर दिया। पीएम मोदी आज मणिपुर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आधारशिला रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात कर अयोध्या पर होने वाली सुनवाई पर चर्चा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की सूची में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। खबर है कि प्रियंका गांधी दिल्ली का सरकारी बंगला छोड़कर गुरुग्राम में रहने के लिए जा सकती हैं। दिल्ली में कोरोना से डॉक्टर की मौत के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके परिवार को 1 करोड़ की मदद का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने जरूरतमंद वकीलों को कोरोना में कमाई नहीं होने पर मदद देने के मामले पर केंद्र से जवाब मांगा। मनोज तिवारी ने दिल्ली को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए सीएम केजरीवाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने और योजना बनाकर काम करने की सलाह दी। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार को कोरोना हो गया। फिल्म सेट पर 65 साल के लोगों की नो एंट्री पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बैलेट से विधानसभा उपचुनाव करवाने की मांग की। शिमला में सीएम कार्यालय के एक अधिकारी को कोरोना हो गया जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने अपहरण और कई गंभीर मामले में दोषी सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे जारी हुए जिसमें 80.34% छात्र पास हुए। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर जिलों में कार्यक्रम नहीं होंगे, सिर्फ भोपाल में एक मुख्य समारोह होगा। तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन के बावजूद दरभंगा और मधुबनी में बाढ़ वाले इलाकों का दौरा किया। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी के कार पर बीजेपी विधायक और सचिवालय का फर्जी पास इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने एक और केस दर्ज किया। विकास दुबे मुठभेड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। लद्दाख में शहीद हुए जवान देव बहादुर को उत्तराखंड के रुद्रपुर में अंतिम विदाई दी गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी सरकार ने बच्चों का तनाव कम करने के लिए 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30% कम कर दिया। यूपी के बरेली से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने डीआईजी बरेली को चिट्ठी लिखकर टॉप 10 कुख्यात की लिस्ट जारी करने की अपील की। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में परिवार के 8 सदस्यों के साथ 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बिहार के मधुबनी में भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या मामले में कई पत्रकारों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 24 घंटों में बीएसएफ के 142 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में शुक्रवार से फिर 10 दिनों का सख्त लॉकडाउन लागू होगा। केंद्र सरकार ने यूरोपियन यूनियन के लिए चीनी भेजने को मंजूरी दी। कश्मीर में बांदीपोरा को छोड़कर बाकी 9 जिलों में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली के शकरपुर में बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में फौजी के पिता की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।
राजस्थान में हुए 35 साल पुराने राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। दिल्ली के निहाल विहार में एक आदमी पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने जंगल में आतंकियों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। यूपी सरकार ने बकरीद के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगले साल हरिद्वार में कुंभ मेला समय पर होने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, 280 लोगों की मौत हुई। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान से लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र का तीसरा प्लांट शुरू होने पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए फिल्म उद्योग में लगने वाले पैसों की जांच का भी मुद्दा उठाया। मणिपुर में आज से 2 हफ्ते के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया। केरल हाईकोर्ट ने सोना तस्करी मामले की सीबीआई से जांच करवाने से इनकार कर दिया। असम में हो रही भारी बारिश की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में फिर पानी भर गया और इसका 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया। गुजरात पुलिस ने सूरत में नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बेंगलुरु में कोरोना मरीज की मौत से गुस्सा एक परिवार पर मेडिकल स्टाफ से मारपीट का आरोप लगा। तिरुपति में एक मकान मालिक पर कोरोना का इलाज करवाकर लौटे एक परिवार को अपने मकान से निकालने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी हुआ। कर्नाटक के हासन समेत 4 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चीन ने एक बयान जारी कर ये उम्मीद जताई कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना जारी रखेगा। इंडिया आइडिया समिट में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत को चीन पर निर्भरता कम करने की सलाह दी। खबर है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली टीके की 10 करोड़ खुराक अपने पास सुरक्षित रख ली। इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन, बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने हाथ मिला लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइकर बोल्सोनारो एक बार फिर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से नोबेल पुरस्कार समारोह इस साल के लिए रद्द कर दिया गया। नेपाल में 4 महीने बाद कोरोना की वजह से लगाया गया लॉकडाउन खत्म किया गया। हांगकांग में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। अमेरिका के आदेश के बाद चीन ह्यूस्टन का अपना वाणिज्य दूतावास करेगा बंद। अफगानिस्तान के गोर में अपने माता पिता की हत्या से नाराज एक लड़की ने 2 तालिबानी आतंकियों को गोली मार दी। अमेरिका के अलास्का में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसके बाद वहां सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोरोना के मामलों पर कई जगह हुआ प्रदर्शन। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच टोक्यो की गवर्नर ने लोगों से छुट्टी के दिन घरों पर ही रहने की अपील की। चीन ने अमेरिकी वैक्सीन का डेटा चुराने के आरोपों से इनकार कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर पहली बार 2000 के पार बंद हुआ। बजाज ऑटो का मुनाफा पहली तिमाही में 53% घटकर 528 करोड़ रुपए रहा। खबर है कि आईपीएल 2020 26 सितंबर की जगह 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो सकता है। आईपीएल से पहले टीम इंडिया यूएई में दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 11 खेलों के 32 विदेशी कोचों का करार 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया। खबर है कि बेन स्टॉक्स वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में सुधार के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अब 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉफ्रा आर्चर ने सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पंजाब में कोरोना संकट के बीच खिलाड़ियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई। पश्चिम बंगाल में पूर्व फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने 24 घंटे में ही बीजेपी छोड़ दी। अमेरिका में अगले महीने होने वाला सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रद्द हो गया। श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैट मार्किंसन चोट की वजह से आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। सुशांत सिंह केस में कंगना रनौत बयान दर्ज कराने के लिए तैयार, लेकिन उन्होंने मुंबई पुलिस से सम्मन नहीं मिलने का दावा किया। कपिल शर्मा का शो जल्द ही शुरू होगा। खबर है कि सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर के आरोप पर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से पूछताछ हो सकती है।